ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर जमकर बरसे, तो राजस्थान की राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि मोदी सरकार देश के लोगों की खून पसीने की कमाई से बने उपक्रम कुछ खास लोगों को बेच रही है। मोदी सरकार ने 7 साल में केवल 70 नारे दिए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। वहीं राजस्थान की राजनीति पर पायलट ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रदेशाध्यक्ष और कौन मंत्री, इसके लिए हमें AICC की घोषणा का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले पायलट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक PCC चीफ DK शिव कुमार ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया और जमकर पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान के सियासी कलह पर सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री और AICC की बातचीत चल रही है, प्रदेश प्रभारी अजय माकन सभी के टच में हैं। माकन कई विधायकों और पदाधिकारियों से कई बार बात कर चुके हैं, हम सभी लोग आपस में लगातार बात कर रहे हैं, जो भी होगा जल्दी सबको पता लग जाएगा। सचिन पायलट ने सियासी सुलह में देरी की वजह के सवाल पर कहा कि 1 साल पहले जो कमेटी बनी थी, अहमद पटेल जी के निधन से थोड़ा काम में देरी हुई है। वहीं राजस्थान की सियासी कलह पर सचिन पायलट ने आगे कहा कि पिछले 25 साल में कभी भी हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, हमने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी बात रखी है, कैसे सत्ता और संगठन में समन्वय हो, कैसे सरकार को रिपीट किया जा सके, कैसे कांग्रेस को अगला चुनाव जिताया जाए, इसको लेकर बात रखी है। पायलट को कौन सा पद मिलने वाला है, इस सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि हमें AICC की घोषणा का इंतजार करना चाहिए। आगे सचिन पायलट ने कहा कि 2023 तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और कैसे सरकार फिर से रिपीट हो, इसको लेकर आलाकमान को हमने अपनी बात रखी है और आलाकमान ने भी हमारी बातों को गंभीरता से लिया है। राजस्थान कांग्रेस के लिए अहम राज्य है, 2023 का चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है, इसके लिए पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन PCC चीफ और कौन मंत्री, इसका फैसला AICC को करना है। बकोल पायलट का कहना था कि 7 साल PCC चीफ रहते हुए उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और लाठियां खाई है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि कांग्रेस में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, पार्टी कैसे मजबूत हो, राजस्थान में चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट ने BJP के चुनौती के सवाल पर कहा कि 2024 के आम चुनाव में पूरे देश में केवल कांग्रेस ही BJP को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे सकती है। पायलट ने विपक्ष से भी आह्वान किया कि छोटे मोटे मतभेदों को साइड में रखकर नेशनल इंटर स्टेट में सबको साथ मिलकर आम चुनाव में उतरना चाहिए। वहीं मोदी सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस मोदी सरकार के इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। पायलट ने इस स्कीम को भारत की अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताया है और कई सवाल भी उठाए हैं। पायलट ने कहा कि मोदी सरकार जिन एसेट्स को लीज पर देने की तैयारी कर रही है, वो 70 साल में लोगों के टैक्स के पैसे से बनी है। पायलट ने PM मोदी द्वारा लगातार 3 साल तक एक ही घोषणा 100 लाख करोड़ की दोहराने पर भी निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती है, हम कुछ बेच नहीं रहे, लीज पर दे रहे हैं, मालिकाना हक तो सरकार का रहेगा। पायलट ने पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, निजी कंपनियां मुनाफे बढ़ाने के लिए लोगों को काम से निकालेगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, उन लोगों के हितों का क्या होगा। पायलट ने कोरोना काल में दिए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज पर भी सवाल उठाए। आगे सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में तो लोग कहने लगे हैं कि पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो रहा है, BJP वाले जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर बिक रहा था छाती पीटते थे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि कहां गई स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और नमामि गंगे प्रोजेक्ट सुनाई नहीं देते आजकल, पिछले 7 साल में 70 नारे दिए गए पर हुआ कुछ नहीं। सचिन पायलट ने NMP स्कीम के प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसी से बात किए बिना ही योजना लॉन्च कर दी, मोदी सरकार ब्रांडिंग में मास्टर है, UPA सरकार के दौरान पोलियो अभियान, नाको HIV अभियान चलाया गया, कभी प्रधानमंत्री ने फोटो नहीं खिंचवाई,
अब कोरोना वैक्सीनेशन में फ्री वैक्सीन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। एक वैक्सीन के इस सरकार ने 3 दाम कर दिए थे। जब विरोध हुआ तो फ्री वैक्सीन की घोषणा कर दी गई। आगे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि ये सरकार विरोध नहीं सुनती, संसद में जवाब नहीं देती, लोगों की जासूसी करवाती है। पायलट ने कहा कि एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नहीं सुनी जा रही। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है, और उससे भी ज्यादा निंदनीय सीएम खट्टर द्वारा अधिकारियों का पक्ष लेना। मोदी सरकार में आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।